तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का यहां पर निर्वाचन रद्द कर दिया गया है, तो ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका है। चुनाव से पहले यहां पर बड़ा झटका, इससे पहले 15 विधायकों के टिकट काटने के बाद भी काफी हड़कंप था आम आदमी पार्टी के बीच। तो क्या यहां पर आम आदमी पार्टी को अब आने वाले चुनाव में कितना नुकसान होने वाला है, ये बड़ी खबर यहां पर है। इससे पहले बीजेपी ने अपने यहां पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है और ये बड़ी खबर यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से निकल कर सामने आ रही है। त्रिनगर से आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया गया, ये नई दिल्ली से बड़ी खबर है। एक ब्रेकिंग न्यूज निकाल कर यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यहाँ पर सुनवाई के दौरान त्रिनगर से यहाँ पर आम आदमी विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ा यहाँ पर नुकसान और एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले, ये बड़ा झटका है। तो कितना कुछ अब आने वाले समय में नुकसान होने वाला है, बड़ी खबर यहाँ पर। जितेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा विश्वविद्यालय से LLB जो डिग्री है उसको लेकर ये फर्जीवाड़ा नामांकन रद्द कर दिया गया। ये पूर्व कानून मंत्री तोमर के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाने में मामला दर्ज कराया था और तोमर समेत 14 अधिकारी और कर्मचारियों पर केस चल रहा है। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि फैसला है। अलगनामे में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी के दौरान यहाँ पर शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व यहाँ पर कानून मंत्री त्रिनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर MLA जो है उनका चुनावी रद्द कर दिया गया है, नामांकन रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट यहाँ पर दी गई है। आम आदमी पार्टी को अच्छी खबर नहीं है, ये चुनाव के पहले एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को हो सकता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।